हाय, मैं पायल पॉल हूँ। मैं एक इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट हूँ। मेरा जो ये चैनल है वो इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करने के लिए है। मैं इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाली हूँ कि सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल शब्द में इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता है। और ये वीडियो उन सब स्टूडेंट्स को हेल्प करने वाले हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और जो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं। और ये वीडियो उन सब लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जो लोग इकोनॉमिक्स के बारे में जानना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या। तो फिर हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के बारे में जो मेरे ये वीडियो है, ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल है जो लोग इकोनॉमिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में जानने के लिए और पढ़ने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इकोनॉमिक्स है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम सुनते हैं कि इकोनॉमिक्स के बारे में, तब हमारे विदाउट एनी नॉलेज हमारे दिमाग में यही आता है कि हो सकता है ये कुछ ना कुछ पैसा से रिलेटेड कुछ होगा। हाँ, ऑफ कोर्स ये पैसा से रिलेटेड है, बट सिर्फ वो पैसा से रिलेटेड जो जगह है इसी में ही वो लिमिटेड नहीं है। हमारे पास जो गुड्स एंड सर्विसेज है, उसका जो कंजम्पशन होता है, प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इन सारे चीज़ों को इकोनॉमी दिखाता है, इकोनॉमिक्स दिखाता है। मतलब हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस है, उन लिमिटेड रिसोर्स को कैसे हमारा सोसाइटी प्रोडक्शन पर्पस में, कंजम्पशन पर्पस में और डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस में यूज़ किया जाता है, उसको दिखाता है इकोनॉमिक्स। बेसिकली हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। मतलब इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, बट वो सोशल साइंस है जो कि सिर्फ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज है, उसका जो प्रोडक्शन होता है, कंजम्पशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उससे जुड़ा जो सोशल साइंस है वही इकोनॉमिक्स दिखाता है, वही है इकोनॉमिक्स। सिंपल वर्ड इन सिंपल लैंग्वेज, यही है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली चार प्रोडक्शन फैक्टर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है, मतलब फोकस करता है। तो वो चार प्रोडक्शन फैक्टर में रहता है लैंड, मतलब ज़मीन, कैपिटल, मतलब हम बोल सकते हैं मूलधन, मतलब हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम उसमें इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, मतलब कुछ सामान यूज़ करते हैं, पैसा यूज़ करते हैं, जो सब यूज़ किया जाता है बिजनेस, तो सारा कुछ कैपिटल होता है। तो कैपिटल हो गया, लैंड हो गया, लेबर जो लोग काम करते हैं लेबर बोलते हैं, तो लेबर, और एंटरप्राइज, और एंटरप्राइज जो है इसको हम कंपनी और बिजनेस बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली ये चार प्रोडक्शन फैक्टर है इकोनॉमिक्स का। ये चार प्रोडक्शन फैक्टर के ऊपर इकोनॉमी मेनली कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मतलब फोकस करते हैं। इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मतलब दो पार्ट में भाग किया गया है इकोनॉमिक्स को। नंबर वन माइक्रो इकोनॉमिक्स, नंबर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक छोटा पार्ट है इकोनॉमिक्स का, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक्सपांडेड है, मतलब वो एग्रीगेट है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल लेवल दिखाते हैं, मतलब हाउस होल्ड्स और बिजनेसेस का जो कंपटीशन लेवल है, प्रोडक्शन लेवल बोल सकते हैं, ग्रोथ लेवल बोल सकते हैं, और कोई भी डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के लिए जो डिसीजन लिया जाता है, सेविंग्स दिखाते हैं, और इस कंपटीशन, सेविंग्स, ग्रोथ रेट, मतलब इंडिविजुअल लेवल में जो चीज़ होता है वही दिखाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जांपल, हम लोग एग्जांपल के तौर में ये बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि हाँ, ये जो दो कंपनी है, फॉर एग्जांपल देयर आर टू कंपनीज,
मतलब यहाँ पे दो कंपनी है, जो एक कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो 5% है और दूसरा जो कंपनी है उसका ग्रोथ रेट है 10% है। हालांकि वो दोनों सेम प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपटीशन कर रहे हैं, तो इसको जो है वो लिमिटेड है, एक छोटा सा पार्ट है इकोनॉमी का, ये होल पार्ट नहीं है। तो ये जो पार्ट दिखा रहा है तो इसको सिर्फ माइक्रो इकोनॉमी दिखाएगा, और जो मैक्रो इकोनॉमी है वो पूरा नेशन का दिखाएगा। कि फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं हमारा अभी करेंट ईयर चल रहा है 2019, तो हम फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि 2019 का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 5% है। तो इससे क्या बोल रहे हैं, मतलब 5% जो है वो होल मतलब पूरा इकोनॉमी का, पूरा इंडिया का जो इकोनॉमी है उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है सिर्फ 5%। तो मतलब इकोनॉमी जो है वो ये नहीं देख रहा है कि मैक्रो इकोनॉमी जो है वो ये नहीं दिखा रहा है कि एक इंसान दो इंसान या फिर एक कंपनी और दो कंपनी, वो इंडिविजुअल लेवल नहीं दिखा रहा है, वो पूरा नेशन का दिखा रहा है, पूरा का पूरा होल इकोनॉमी का दिखा रहा है। मतलब इस हिसाब से हम बोल सकते हैं ऑफकोर्स मैक्रो इकोनॉमी बड़ा है, एग्रीगेट है, और माइक्रो इकोनॉमी छोटा है, इकोनॉमी का एक छोटा सा पार्ट है माइक्रो इकोनॉमी। तो ये है बेसिक एंड सिंपल आइडिया अबाउट इकोनॉमिक्स के आखिर इकोनॉमिक्स है क्या। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का जो पार्ट्स है इकोनॉमिक्स का हम डिस्कस करने वाले हैं, पर इस वीडियो में बस बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक आइडिया यही है प्रोवाइड किया गया है। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो और अच्छा लगा हो आप लोगों को। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाना कि मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तब आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए कि और आप हम मेरे जो वीडियो है वो आप लोग देख पाए जल्द से जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।